Hi, guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So, in today's video, we are going to discuss the syllabus of the NATA examination. So, a few days back only, I have uploaded a video regarding the brochure of the NATA examination, which has been recently released, and in that brochure, everything is changed.

एलिवेंथ के बच्चे भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं एंड देर हैज़ बिन मेजर मेजर चेंजेस इन द नाटा एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024 बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो रिलेटेड टू द ब्रॉशर जो मैंने अभी पहले अपलोड की थी तो आपको वो सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी बट उसमें ब्रॉशर में एक ऐसा पार्ट था जो कि किसी को भी क्लियर नहीं हुआ था इवन आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो बिकॉज उसमें मैंने वो एक्सप्लेन किया ही नहीं था तो इन दैट वीडियो ऑल्सो आई सेट के बाद में मैं इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और एक न्यू वीडियो डालूंगी एंड दिस इज दैट वीडियो अफकोर्स दैट पार्ट इज द सिलेबस पार्ट ऑफ द नाटा एग्जामिनेशन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सिलेबस ऑफ द नाटा 2024 एग्जामिनेशंस जिसको लेके सभी को कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारे बच्चों ने कॉल्स किए मैसेजेस किए इवन स्टूडेंट्स एट एस एस ए सी हैड सम कन्फ्यूजन्स रिलेटेड टू द सिलेबस सिलेबस इज वेरी कन्फ्यूजिंग वेरी न्यू कन्फ्यूजिंग इसीलिए है बिकॉज द टॉपिक मैंशनड इन द ब्रॉशर आर दी वॉन्स दट यू आर नॉट फेमिलियर विद यू हैव नेवर रेड इट यू हैव नेवर स्टडीड इट एंड इवन यू हैव नेवर हर्ड अबाउट इट एज वेल तो इसीलिए नाटा एग्जामिनेशन को क्रैक करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है बी इट द ड्रॉइंग पार्ट और एप्टीट्यूड पार्ट बिकॉज द सिलेबस इज सो डिफरेंट एंड स्टूडेंट्स आर ऑफन वेरी अनफेमिलियर तो अगर पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या है तो प्रिपेयर करना तो बहुत दूर की बात है इफ यू वॉन्ट टू क्रैक द नाटा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन द फर्स्ट स्टेज इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इन डिटेल वंस यू अंडरस्टैंड वॉट

होती है

you <laughs> मेरे टाइम में जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था तब तो कोई वीडियो बनाता भी नहीं था और मुझे तो तब क्लियर भी नहीं हुआ था बहुत एंड तक भी बहुत बाद तक भी इनफैक्ट आर्किटेक्चर में जाने के बाद मुझे एग्जैक्टली समझ आया कि अच्छा नाटा एग्जामिनेशन में ये चीज़ें पूछी जा रही थी बिकॉज नाटो कोचिंग में कोई सही से पढ़ाता है ना ही इसकी कोई बुक्स अवेलेबल होती हैं तो इन जनरल देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंगस द स्टूडेंट रिगार्डिंग नाटा एग्जामिनेशन एंड ऑनेस्टली एग्जामिनेशन भी बहुत ईजी नहीं आता है टफ लेवल का ही होता है ठीक है सो फ First thing that I will discuss in today's video is going to be what are the

तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस टॉपिक से इन टाइप्स के क्वेश्चन हमें एक्सपेक्ट करने को मिल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं ठीक है थर्ड थिंग इज दैट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन बिकॉज दिस टॉपिक्स आर वेरी न्यू एंड यू माइट हैव नेवर हर्ड ऑफ़ दीज टॉपिक्स एंड यू माइट हैव नेवर रेडी टन योर स्कूल आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि ये टॉपिक्स एग्जिस्ट भी करते हैं तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये टॉपिक्स क्या हैं कैसे प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली आप प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर सकते हो तो हाउ टू प्रिपेयर दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी नीड टू डिस्कस इन टू डेज वीडियो सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो अगर हम सिलेबस की बात करें सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट इज पार्ट ए विच इज ड्राइंग एंड सेकेंडली इज पार्ट बी विच इज एप्टीट्यूड पार्ट ए की बात करें तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है द थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर ए वन टू डी कम्पोजिशन ए टू परस्पेक्टिव स्केचिंग एंड ए थ्री थ्री डी कॉम्पोजिशन इसके बारे में भी अभी हम डिटेल डिटेल में डिस्कस करते हैं पर पहले ये समझ लो अगर आप एप्टीट्यूड की बात करो तो इसमें दो पार्ट्स हैं बी वन एंड बी टू बी टू इज बेसिकली फोर मार्कर क्वेश्चन नाटा में पहली बार फोर मार्कर क्वेश्चन आ रहा है आज से पहले कभी फोर मार्कर क्वेश्चन नहीं आया है वन मार्कर आता था टू मार्कर आता था थ्री मार्कर भी आया पर फोर मार्कर नहीं आया सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट वट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आज इन द फोर मार्कर क्वेश्चन एंड टू मार्कर क्वेश्चन तो होंगे टू मार्कर में मोस्ट प्रोबेबली एम सी क्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड फोर मार्कर में मोस्ट प्रोबली एमएस क्यू क्वेश्चन होंगे बट कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं फोर मार्कर में टू मार्कर में वो अभी हम आगे देखते हैं ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉइंग पार्ट फर्स्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट कैन कम इन द ड्रॉइंग पार्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट

क्यूब इज़ नॉट अ शेप है ना अगर आप ये बोलो कि क्यूब बहुत अच्छा शेप है या फिर क्यूबॉइड एक बहुत अच्छा शेप है दैट इज द रोंग डेफिनेशन शेप होता ही टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए है तो जहाँ यहाँ पर शेप वर्ड मैंशन है दैट मीन्स टू डायमेंशनल ठीक है इसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता है कोई जेड एक्सेस नहीं होता है सिर्फ एक्स एक्सेस और वाई एक्सिस पे लाइन्स के थ्रू आप शेप्स को बना सकते हो ओके एंड डेफिनेटली कलरिंग दैम अप्रोप्रिएटली दिस इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ कलर थ्योरी कलर थ्योरी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए बिकॉज़ एवरी डिज़ाइनर हैज़ दी नॉलेज ऑफ कलर्स अगर आप एक लहंगा की बात करो है ना शादियों में आपने लहंगा देखा होगा तो रेड लहंगा इज़ जनरली पेड अप विद ग्रीन जूलरी बिकॉज रेड एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और ये तो एक आर्टिफिशियल एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ पर नेचर में भी ये एक्जिस्ट करता है when you will see green leaves everywhere, then there are red flowers because it are it is complementary कलर्स and it looks beautiful for the eyes. तो इस तरीके से कौन से कलर्स साथ में क्यों अच्छे लगते हैं और कौन से कलर्स साथ में अच्छे नहीं लगते हैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है पर डिटेल में पता होना चाहिए एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये चीज़ें आपकी क्वेश्चन के थ्रू टेस्ट ज़रूर होंगी हंड्रेड एंड टेन परसेंट सो कलर थ्योरी अनदर थिंग इज कलर साइकोलॉजी ऑल्सो क्योंकि हर कलर की अपनी कलर साइकोलॉजी भी होती है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना वेरियस सिचुएशन बिकॉज दे केन ऑल्सो यू अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल दे दे कैन टेल यू कि एक रेस्टोरेंट थीम के हिसाब से आपको एक कॉम्पोजिशन डिजाइन करना है फॉर एग्जाम्पल सो इफ यू एवर गो टू अ रेस्टोरेंट यू विल प्रॉब्बली सी सब वॉम कलर्स लाइक रेड एंड ऑरेंज इवन हम लोग खाने में यूज़ करते हैं फूड कलरिंग रेड कलर का देखा होगा आपने क्योंकि रेड एंड ऑरेंज दीज कलर्स आर हंगर स्टिम्युलेटिंग कलर्स इन कलर्स को देख के आपको भूख लगती है आपकी हंगर स्टिम्यूलेट होती है वेर एज इफ यू टॉक अबाउट दी कलर ब्लू इट इज़ अ हंगर सप्रेसेंट कलर तो ब्लू कलर का जेनरली भी आपने कोई फ्रूट या वेजिटेबल नहीं देखा होगा बहुत ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है बहुत ज़्यादा अबंडेंटली नहीं है नेचर में ब्लू कलर का फ्रूट एंड वेजिटेबल बिकॉज दिस इज अ हंगर सप्रेसेंट कलर इस कलर को देख के आपको भूख कम लगेगी अगर आप ब्लू कलर के प्लेट में खाना खाओगे आप कम खाना खाओगे आपका वेट लूज जल्दी होगा सो दिस इज ऑल अबाउट कलर साइकोलॉजी हाउ वी परसीव द कलर्स बट नॉट कॉन्शियसली इट्स मोर सब कॉन्शियसली इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड इट विल बी क्लियरली टेस्टेड वायर सम अमेजिंग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन सेकेंड इज परस्पेक्टिव स्केचिंग परस्पेक्टिव स्केचिंग यहाँ पे कहीं अगेन मैंशन नहीं है बट डेफिनेटली ये क्वेश्चन परस्पेक्टिव स्केचिंग का ही आने वाला है बिच ऑज यहाँ पे देख सकते हो अबिलिटी टू ड्रॉ विजुअलाइज डिपिक्ट सिचुएशन इन्वॉल्विंग बिल्डिंग्स तो बिल्डिंग्स जब आप बनाते हो या फिर उसके कॉम्पोनेट्स को बनाते हो या उसका इन्वायरमेंट बनाते हो ठीक है तो डेफिनेटली आप सही स्केल प्रपोशन में बनाओगे शेडोज वगैरह बनाओगे दिस इज फाइन बट बिल्डिंग्स और उसके कॉम्पोनेंट्स जब ये सब चीज़ें जब बनाओगे तो वो परस्पेक्टिव में ही बनती हैं अदरवाइज वो सही नहीं बनेगा एंड इफ यू स्केच इज टेक्निकली नॉट राइट यू नॉट गेट मार्क्स सो परस्पेक्टिव स्केचिंग इज एक्चुअली अ वे टू रिप्रेजेंट 3D objects on a 2D surface. टू डी सर्फेस क्या हुआ टू डी सर्फेस आपकी शीट हो गई और थ्री डी ऑब्जेक्ट क्या हुआ थ्री डी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है बिल्डिंग चेयर टेबल कुछ भी हो सकता है है ना तो थ्री डी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रियलिस्टिक तरीके से टू डी सर्फेस पे दिखाना है सो परस्पेक्टिव स्केचिंग इज द ओनली वे एंड इफ यू डोंट नो इट यूर गोइंग टू लूज योर मार्क्स तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग के अंदर आपको और भी चीजें सीखनी पड़ती हैं फॉर एक्साम्पल यहाँ पे पीपल लिखा है दैट मीनस ह्यूमन फिगर्स पोर्ट्रेट ये सब चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी वेहीकल बनाना एनिमल फिगर्स बनाना दीज आर सम ऑफ दी सब topics that will come under perspective sketching that you need to learn in the drawing part now last part is 3d composition थ्री डी कम्पोजिटे कम्पोजिशन इज क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग थ्री डी कॉम्पोजिशंस फॉर द गिवन सिचुएशन इज नो प्रोवाइडेड किट नो आई डोंट नो वट कंड ऑफ किट दे प्रोवाइड बिकॉज इट हैज नेवर हैपन बिफोर सो आई कैनॉट टेल बट वुड आई थिंक दट इट दे विल नॉट प्रोवाइड एनीथिंग मच फॉर द थ्री डी कम्पोजिशन पार्ट और हो सकता है कि ना भी प्रोवाइड करें ऐसे ही लिख दिया हो तो देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है लेट द फर्स्ट एग्जामिनेशन हैपन एंड आफ्टर दैट विल गेट अल बिट मोर क्लैरिटी ठीक है बट अभी के लिए इसको छोड़ दो केट को आपको थ्री डी कॉम्पोजिशन पढ़ना है प्रैक्टिस करना है कैसे करना है अभी डिस्कस करते हैं लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट टू डी कॉम्पोजिशन एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस इट अ लिटिल बिट फास्ट अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी सो दैट इज समिंग एंड आई डोंट वॉन्ट सो इफ यू टॉक अबाउट टू डी कॉम्पोजिशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हियर यू हैव टू यूज टू डी शेप्स एंड यू हैव टू यूज प्रॉपर कलर्स टू मेक एन एस्थेटिक लुकिंग कॉम्पोजिशन आप यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन देख रहे हो दीज आर आवर स्टूडेंट वर्कस तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि येलो एंड बुबल्स आते में यूज हुआ है ठीक है दिस काइंड ऑफ कलर यहाँ पे आपको एनालॉगस कलर स्कीम दिख रहा है येलो ऑरेंज रेड ठीक है साथ के कलर व्हील के में साथ में जो कलर्स होते हैं वो बेसिकली हैं यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ भी ऑरेंज एंड ब्लू है अगेन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ पे प्राइमरी कलर्स का यूज़ है यहाँ पे आपके कूल cool कलर्स का यूज़ है तो यहाँ पे हर जगह एक कलर स्कीम है ये रैंडम नहीं है रैंडम आपने अपना पेंसिल बॉक्स खोला कलर्स निकाले कोई भी दो चार कलर्स रैंडम उठा के बनाने लग गए टू डी ऐसे आपका कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं बनेगा

ठीक है अगर आप इस कॉम्पटिशन को चार पार्ट में डिवाइड करोगे आपको कोई भी पार्ट इस पूरे कॉम्पटिशन में हैवी नहीं दिखेगा कि पार्ट ए इज मोर हैवी देन पार्ट बी और पार्ट बी इज मोर देन पार्ट ऐसा नहीं है चारों एकदम इक्वल है है ना तो एक कॉन्सेप्ट होता है विजुअल वेट का ठीक है आई नो आई डोंट नो हाउ मच यूर एबल टू अंडरस्टैंड इट बट विजुअल वेट इज़ लाइक कि अगर मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है और वहाँ पे मैंने एक जगह पे तो पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया एक जगह छोटा सा रेक्टेंगल बनाया ठीक है तो विजुअली वो एक तरफ का पे, पेपर जो है ना वो हैवी लगेगा बिकॉज ऑफ द बिगर शेप तो इस तरीके से काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं दैट यू योर शीट शुड हैव अ प्रॉपर बैलेंस कोई पर ज़्यादा हैवी इवन ये तो सिमेट्रिकल सा थोड़ा कॉम्पिटिशन है इसको भी देखोगे ना अगर तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो फर्स्ट आपको स्केच दिख रहा है ये वाला ये भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है है ना तो कोई भी कुछ ज्यादा हैवी या लाइट नहीं है प्रॉपर बैलेंस्ड है काफी इंटरेस्टिंग है ये तो सिमेट्रिकल हो गया कॉम्पोजिशन तो सिमेट्री इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू तो आपने सुना होगा सिमेट्री इफ यू टॉक अबाउट ताजमहल ताजमहल आप सबको पता है आपने देखा है कैसा दिखता है इट्स वेरी सिमेट्रिकल वेरी ब्यूटिफुल राइट बट इफ आई विल टेल यू दैट यू हैव टू मेक यूर हाउस इन द फॉर्म ऑफ अ ताजमहल जैसे ताजमहल का फॉर्म है ना आपके घर का भी फॉर्म वैसा ही हो तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा प्रॉपर सिमेट्रिकल घर आजकल आपको देखने को मिलेगा नहीं इन मॉडर्न आर्किटेक्चर तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू अ एग्जाम्पल फॉर दिस इन एन ईजियर वे ये हमारी अभी नई वेबसाइट बन रही है अभी ये लाइव नहीं हुई है अभी होगी तो इस वेबसाइट में अगर मैं इस अबाउट अस सेक्शन में जाऊँ ठीक है तो आपको ये ऑनलाइन क्लासेस वाला पार्ट दिख रहा होगा जो ऑरेंज कलर में है ठीक है एंड ये ऑनलाइन क्लास वाला जो पार्ट है ऑरेंज कलर में ये थोड़ा सा ना ए है ठीक है तो दोनों तरफ तो है नहीं कि लेफ्ट में भी है राइट right में भी है डिज़ाइन एक ही तरफ है तो ए है बाकी सारी चीज़ें सिमेट्रिकल आ रही हैं टेक्स्ट वगैरह सब कुछ ठीक है सिमेट्रिकली ही है तो बेसिकली अगर ये ऑनलाइन क्लास वाला पार्ट इसमें नहीं होता तो ये काफ़ी सिमेट्रिकल चला जाता और थोड़ा बोरिंग हो जाता समझ लो बट ड्यू टू दिस लिटिल बिट ऑफ ए सिमेट्री विच इज हैिंग दिस अबाउट द सेक्शन इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग इवन यूअर ऑल्सो यू नो दो चीजें हैं लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट्स हैं एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है और एक आपका छोटा तो सा इमेज है राइट वाला जो पार्ट है वो बड़ा सा इमेज है तो लेफ्ट के जो दोनों छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस कर रहा है राइट में जो बड़ा वाला इमेज है वो एंड दिस इज वाई दिस डिजाइन इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस कि किस तरीके से जरूरी नहीं है कि सिमेट्री हो पर बैलेंस आपकी शीट पे कैसे आप दिखा सकते हो तो ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है गाइस इसको पढ़ने का तरीका बहुत वास्ट है एंड ऐसे ही कोई आपको ये पढ़ा नहीं सकता है डेफ़िनेटली यू नीड टू हैव प्रॉपर गाइडेंस फॉर दिस अगर आप सोचो कि ये हम खुद से पढ़ लेते हैं या बुक से पढ़ लेते हैं तो रहने दो ही पढ़ो बिना पढ़े हुए जाओगे तो भी एक ही बात होगी क्योंकि ओनली अ डिज़ाइनर कैन टीच यू दैट हाउ टू डिज़ाइन ओके okay, और ओनली आर्किटेक्ट कैन टीच यू दैट हाउ टू डिजाइन नो बडी एल्स कैन टीच यू और खुद से तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते ये टॉपिक तो ये सेल्फ प्रिपरेशन का टॉपिक है ही नहीं इसमें आपको गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी ये बेसिकली पूछा इसलिए जाता है बिकॉज आर्किटेक्चर में ना आप एलिवेशन वगैरह डिजाइन करते हो ना सपोज यू आर डिजाइनिंग द फ्रंट फसाड ऑफ योर हाउस राइट सो आपने कोई शेप्स वगैरह लिए सोचा कि हाँ हमारा घर ना सामने सा चलेगा यहाँ पे हम ग्लास देंगे कि आपने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन डिज़ाइन करी ठीक है तो ये यूज काफ़ी ज़्यादा आता है आर्किटेक्चर में तो ये लेकिन एलिवेशन आपको डिजाइन करने के लिए नाटा में तो दे नहीं सकते हैं बिकॉज अभी तो आप आर्किटेक्ट बने नहीं हो आपको कुछ आता नहीं है तो इसीलिए ये बेसिक टू डी कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन देते हैं कि आपकी एक डिज़ाइन सेंस एस्थेटिक सेंस इस चीज़ से टेस्ट की जाए एंड दिस इज द रीजन वाई दिस क्वेश्चन इज देयर मेनी पीपल इवन डोंट नो द रीजन वाई टू डी कॉम्पोजिशन क्वेश्चन आर आस्ट इन एग्जामिनेशन सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर समझ गए चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ गोइंग टू बी द परसपेक्टिव स्केचिंग पार्ट सो दीज आर परस्पेक्टिव स्केचिंग अगैन वर्कस बाय आवर स्टूडेंट्स यू कैन सी वन पॉइंट परस्पेक्टिव टू पॉइंट परसपेक्टिव एंड अगेन द इज़ अ क्वेश्चन फ्राम वन पॉइंट परस्पेक्टिव तो देखो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए बिकॉज वंस यू नो पर्सपेक्टिव स्केचिंग यू कैन इजीली मेक स्केचेस थ्रू योर इमेजिनेशन तो मेरा पर्सपेक्टिव स्केचिंग पढ़ाने का तरीका इट इज़ वेरी वेरी यूनिक एंड यू विल नॉट सी एनी थिंग लाइक दिस एनी वेयर ना तो आपको YouTube पे मिलेगा ना तो किसी अदर कोचिंग में मिलेगा क्योंकि मैं जो पर्सपेक्टिव स्केचिंग सिखाती हूँ आई कैन ओनली शो यू लिटिल बट क्योंकि मैं पूरा तो आज पढ़ा नहीं सकती हूँ बट बेसिकली कंसेपच्चुअली पढ़ाती हूँ दैट पिक्चर प्लेन क्या होता है हॉराइजन प्लेन क्या होगा ग्राउंड प्लेन क्या होगा किस तरीके से स्केचिंग इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ठीक है प्रोजेक्शंस क्या होते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये जो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ठीक है इसको अगर आपको एक टू स्केच में कन्वर्ट करना है जिसपे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में राइट right? सो so, आप हर कॉर्नर से प्रोजेक्शन ले लो यू नो फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर सो यू आर टेकिंग द प्रोजेक्शन लाइक दिस लेट मी टेक सम अदर कलर तो आप यहाँ से एक प्रोजेक्शन ले रहे हो यहाँ से एक प्रोजेक्शन ले रहे हो ठीक है यहाँ से एक प्रोजेक्शन ले रहे हो अपने इमेजिनरी पिक्चर प्लेन पे पिक्चर प्लेन इज नथिंग बट जस्ट एन इमेजिनरी प्लेन विच यू कीप इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू गेट द स्केच ऑफ इट ठीक है ये कंसेप्ट होता है थियोरिटिकली तो आपको इस तरीके का एक शेप दिखेगा एंड दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप लेकिन इसका स्केच जो ये आया है यहाँ पर टू डी स्केच जो ये निकल के आया है ये उसका कंसेप्ट है इसी तरीके से परस्पेक्टिव का अपना पूरा कंसेप्ट होता है आर्किटेक्चरली दट हाउ परस्पेक्टिव स्केचिंग वर्कस किस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट के सामने पिक्चर प्लेन रखते हो आप उसे किस एंगल से देख रहे हो आपके सामने एक वैनिशिंग पॉइंट होता है और कैसा स्केच निकल के आता है तो ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली समझनी पड़ेंगी ठीक है एंड वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग्स थ्योरेटिकली देन कंसेपचुअली आई कैन टीच यू दैट अब आप इसको शीट ऑफ पेपर पे पर्सपेक्टिव स्केचेस को किस तरीके से बना सकते हो ठीक है तो इस तरीके से ये कुछ होता है अलग अलग टाइप के परस्पेक्टिव होते हैं वन पॉइंट टू पॉइंट एंड लिटरली वट एवर यू हैव इन योर माइंड यू वॉन्ट टू मेक अ बिल्डिंग यू वॉन्ट टू मेक इंटीरियर स्केच सोफ़ा बनाना है टेबल बनाना है पूरा का पूरा मैदान बनाना है या फिर कोई और व्यू बनाना है कुछ भी व्यू आपको बनाना है यू कैन यूज़ परस्पेक्टिव स्केचिंग एंड मेक अ स्केच थ्रू इमेजिनेशन आपको देख के बनाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है सो इन अ फ्यू क्लासेस आई कैन मेक यू दैट एबल कि यू विल बी एबल टू मेक परस्पेक्टिव स्केचेज थ्रू इमेजिनेशन अब डेफिनेटली ऑन यूट्यूब आई कैन नॉट मेक द कंप्लीट वीडियो फॉर दिस तो इसके लिए आपको करना क्या है दैट यू कैन बुक अ फ्री डेमो क्लास ओके टू बुक द फ्री डेमो क्लास फ्री डेमो क्लास में आपको मैं सिखाऊंगी कि परस्पेक्टिव स्केचेस बनाते कैसे हैं येस गाइज पूरा बताऊंगी एंड एक ही क्लास में यू विल स्टार्ट मेकिंग स्केचिज थ्रू योर इमेजिनेशन दैट इज माई प्रोमिस टू यू सो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर ट्रिपल एट टू नाइन जीरो एट सिक्स वन फाइव दिस इज़ आवर नंबर आप इस पर कॉल और व्हाट्सएप करके अपना फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो इवन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एस एस सी इंस्टीट्यूट डॉट इन लिंक इज द डिस्क्रिप्शन वहाँ पर बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन है आप वहाँ से भी अपनी डायरेक्ट डेमो क्लास बुक कर सकते हो तो यहाँ पे हम आपको क्लास में परस्पेक्टिव स्केचिंग बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को एंड विद इन वन क्लास जैसे ये डेमो क्लास करता हूँ आप बना लग जाओगे दैट इज़ माई प्रॉमस सो डेढ़ दो घंटे की क्लास होती है डेफ़िनेटली वन एंड हाफ टू टू आवर्स की क्लास होगी क्योंकि अभी मैं ये इस वीडियो में पूरा टेक्निक तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ फॉर श्योर बट आप ये कर सकते हो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे ड्रॉइंग सीख सकते हो और कैसे सीखने वाले हो बिकॉज ये यूट्यूब पर या कहीं भी अवेलेबल नहीं है डिटेल में ठीक है सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू लर्न इससे आप इस तरीके के स्केचेज ऑब्टेन कर पाओगे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्केच फॉर दी वॉशरूम व्यू तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है फॉर अ चाइल्ड कैसे स्टेप्स बनाए गए हैं फिर वॉश बेसिन है एक आउल के शेप का यहाँ पे आपको टॉयलेट पेपर रोल दिख रहा है कैसे मैट्स बनाए हैं कैसे टाइल्स हैं कौन से कलर्स को यूज़ किया किया गया है सो येलो एंड टील इज़ बीग यूज ऐसे ऐसे का काइंड ऑफ कलर थीम इसमें यूज़ कर दिया है यहाँ पे भी अगेन ब्लू और ऑरेंज या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स स्कीम है तो कलर स्कीम तो यहां पे भी रहेगा टू मेक एस्थेटिक स्केचेस ठीक है नाउ थ्री डी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू परस्पेक्टिव स्केचिंग यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ सही तरीके से स्केच को बनाना होता है रैंडम नहीं बनाना होता है ऐसे ठीक है तो थ्री डी कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे थ्री डी कॉम्पोजिशन स्टूडेंट्स बनाते हैं यहाँ पर भी कलरफुल मैंने नहीं डाला बिकॉज ऑलरेडी मैंने कलर्स का काफ़ी कुछ आपको दिखा दिया तो इसीलिए ब्लैक एंड वाइट में भी अगर आप बना रहे हो तो लाइट एंड शेडो की प्रॉपर स्टडी कि किस तरीके से प्रॉपर लाइट एंड शेडोज बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको थ्री डी कॉम्पोजिशन में सीखनी पड़ेंगी बट इट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द स्टडी ऑफ परस्पेक्टिव स्केचिंग लिटिल बिट ठीक है ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड पार्ट सिलेबस तो एप्टीट्यूड पार्ट में आपका जो सिलेबस है वो एक एक करके मैं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ बट अगर एक मेन ओवरव्यू बताऊँ तो आपको पता है कि देर इज़ बी वन एंड बी टू बी वन इज़ टू मार्कर एंड बी टू इज़ फोर मार्कर अंडर द बी वन पार्ट यू विल हैव एम सी क्यू एंड यू विल हैव एन ए क्यू तो एन ए क्यू क्या होता है एन ए क्यू होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन वेर देयर विल बी अ ब्लैंक स्पेस देयर एंड यहाँ पे आपको अपना आंसर टाइप करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल द आंसर इज टू सो यू हैव टू टाइप ओवर हियर एम क्या होता है एम होता है कि यहाँ पे आपको अपना फोर ऑप्शन रहेंगे एंड वन ऑफ दी ऑप्शन विल बी करेक्ट ठीक है ये तो तुम्हें पता है एमएस क्या होता है एमएस क्यू इज़ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में क्या होंगे फॉर एग्जाम्पल देर आर टेन टू ट्वेल्व ऑप्शन गिवन टू यू ठीक है बहुत सारे ऑप्शन है मान लो इसमें से कोई भी फोर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे बिकॉज दिस इज फोर मार्कर राइट तो सपोज आपने एक ऑप्शन करेक्ट किया तो आपको वन मार्क्स मिले दो करेक्ट किया तो दो मार्क्स मिले तीन करेक्ट किया तीन मार्क्स मिले और चारों करेक्ट किए तो चार मार्क्स मिले तो इस तरीके से ये हो सकता है फोर मार्कर में एमएस क्यू क्वेश्चन पूछे जाए या फिर मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है ठीक है सो दी आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू मार्कर एंड फोर मार्कर बट दिस इज नॉट मेंशन इन द ब्रॉशर दिस इज वॉट आई थिंक एंड दिस इज वॉट आवर टीम हैज एस्टिमेटेड ठीक है ये ब्रॉशर में नहीं है तो कंफ्यूज मत होना फर्स्ट पार्ट इज़ विजुअल रीजनिंग विजुअल रीजनिंग जो है ये आपके मतलब जेई में भी बहुत मार्क्स का आता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्पल की टॉप व्यू फ्रंट व्यू आइडेंटिफाई करना आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू इन द गिवन फिगर तो इस तरीके का डिटेल्ड फिगर आता है और इसका आपको टॉप व्यू थोड़ा सोच के इन चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है और इसको पढ़ने का तरीका क्या है जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया वेन आई वॉज डिस्कसिंग द परसपेक्टिव स्केचिंग पार्ट आई वॉज डिस्कसिंग राइट कि क्या तरीका होता है ऐसा क्या कंसेप्ट होता है सोचने का तो वो आपको पहले सीखना पड़ेगा कंसेप्ट कि इस तरीके से इसको सोचा जाता है ड्यू टू द पिक्चर प्लेन एंड एवरी थिंग तो जब तक आपने ये कंसेप्ट पढ़े नहीं है तो तब तक आप कितना भी प्रैक्टिस करो यू विल नॉट गेट ऑल द क्वेश्चन राइट डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ मेरे काफी सारे क्वेश्चन राइट आ रहे हैं बट होगा नहीं क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट को समझना है ठीक है उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है दिस इज द वे टू क्रैक द विजुअलाइजेशन पार्ट ओके सिमिलरली एरो जिस तरफ बना हुआ है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस तरफ से बताओ कौन सा पार्ट है तो अगेन दीज टू क्वेश्चन आर इन द सेम कैटेगरी ठीक है तो ये कैटेगरी कौन सी है टॉप व्यू स्लैश फ्रंट व्यू क्वेश्चन सेकेंडली सर्फेस काउंटिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये सर्फेस है तो इसमें टोटल कितने हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ये करके काउंट करेंगे ये एक दो तीन चार या ऐसे ऐसे करके इसका भी तरीका होता है इसका भी कंसेप्ट होता है करने का जिसमें आपको कम टाइम में बहुत ही आपको कम टाइम लगेगा एंड यू विल गेट करेक्ट आंसर सो वंस यू नो द कंसेप्ट देन यू विल बी लेफ्ट विद द प्रैक्टिस पार्ट देन इस तरीके से आपको थ्री डी कॉम्पोजिशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं नो you know, कि इसमें क्या क्या क्यूब है तो ये क्यूब काउंटिंग का क्वेश्चन है इसका भी कंसेप्ट होता है फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड लास्टली अनफोल्डिंग थ्री डी फिगर्स यू नो विच ऑफ दिच ऑफ विच वन ऑफ द आंसर फिगर्स शोज द करेक्ट व्यू ऑफ द्री डी प्रॉब्लम फिगर आफ्टर इट्स ओपनडअप तो ओपनिंग अप ये भी एक आपको अलग से कंसेप्ट पहले सीखना पड़ेगा कि ये कैसे करते हैं एंड देन यू कैन प्रैक्टिस अलॉट तो ये पार्ट को क्रैक करने का ये तरीका है कि पहले कंसेप्ट सीखो फिर प्रैक्टिस करो अगेन दिस कैन ऑल्सो बी टॉट बाय एन आर्किटेक्ट ओनली बिकॉज ये विजुअलाइजेशन जो पार्ट है ये आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यों क्योंकि इन आर्किटेक्चर वट आर यूर बिल्डिंग इज बींग मेड यू हैव टू विजुअलाइज इट इन योर माइंड फर्स्ट एंड बिफोर इवन द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन योर माइंड इसीलिए विजुअलाइजेशन आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट इज लॉजिकल डेरिवेशन लॉजिकल डेरीवेशन इज़ नथिंग बट द रीजनिंग पार्ट वेयर यू विल हैव थ्री टॉपिक्स वर्बल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग इसको भी सीखने का यही तरीका होता है कि पहले आप कंसेप्ट को सीखो एंड उसके बाद आप काफ़ी सारा प्रैक्टिस करो ठीक है सो वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल नॉन वर्बल रीजनिंग इज नॉट नेसेसरीली टॉर्ड वैन आर्किटेक्ट बिकॉज ये बहुत सारे और भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो इवन इफ यू वॉन्ट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन आई थिंक इट्स पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो नाटा एग्जामिनेशन में ट्वेंटी परसेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी सेल्फ प्रिपरेशन पॉसिबल है लेकिन एट्टी परसेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी सेल्फ प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है तो वो भी मैं आपको बताती रहूंगी साथ के साथ कि सेल्फ प्रिपरेशन किस में पॉसिबल है किसमें पॉसिबल नहीं है और कमेंट करके ये मत पूछना कि कहाँ से इसकी बुक्स वगैरह मिलेंगी इसकी बुक्स वगैरह नहीं होती हैं नाटा की कोई अवेलेबल नहीं है मार्केट में और ना होगी कभी Because, uh, ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि पहले आपको इसकी कंसेप्ट को थ्री डायमेंशनल वे में समझना पड़ेगा तो हम लोग तो थ्री डी सॉफ्टवेयर पे इसको सिखाते हैं आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं तो इसीलिए इसके बुक्स अगर होंगी भी तो इतनी काम की नहीं होंगी कभी ठीक है क्योंकि ये रटने वाले टॉपिक्स नहीं होते हैं तो वर्बल रीजनिंग में आपके वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन पजल्स सीरीज कंप्लीशन लॉजिकल रीजन नंबर सीरीज़ वगैरह डी कोडिंग वर्ड पजल्स मिरर इमेजेस है ना पेपर कटिंग वगैरह उसके बाद क्यूब्स एंड डाइसेज वाटर इमेजेस है ना कि जैसे वॉट जैसे ये एक प्रॉपर कोई चीज आ गई इसका वाटर इमेज कैसा होगा उसको करेक्ट आंसर तो इस टाइप के क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस तो यहाँ पे जैसे ये दो वर्ड्स हैं फिर आउटपुट के साथ कौन सा आएगा इसका पहले आपको कंसेर्प्ट सीखना पड़ेगा अगेन और फिर प्रैक्टिस इसमें भी वही चीज़ रहती है शोइंग शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज सरोज सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर हु इज मैन टू सरोज तो अगेन ये जो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करने का भी तरीका होता है कंसेप्ट को पहले सीखो फिर प्रैक्टिस काफ़ी सारी करो डन हो जाएगा मेरी स्कोरिंग टॉपिक एक्चुअली बहुत ईजी आप कंसेप्ट समझ जाते हो ईजीली तो so ये स्कोरिंग टॉपिक है देन जी के एंड आर्किटेक्चर डिजाइन Important topic, the most time should be dedicated in preparing this topic. हम लोग जब पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी टॉपिक को प्रिपेयर करवाने में लगता है तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं और सारे सब टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेटीरियल तो वेरी यूनिटी टॉक अबाउट ब्रेक्स डोर्स विंडोज चेकेज दिस टॉपिक ऑल्सो सेल्फ प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल इट कैन ओनली बी टॉट टू तो यू बाई एन आर्किटेक्ट बिकॉज दीज आर आर्किटेक्चरल टॉपिक्स या आपको आर्किटेक्ट के अलावा कोई और नहीं पढ़ा सकता आप खुद से किसी बुक भूक से पढ़ नहीं सकते बिकॉज आर्किटेक्चर में वैसे भी बुक्स नहीं होती कोर्स में ही बुक्स नहीं होती तो नाथा इसमें तो छोड़ो क्योंकि आर्किटेक्चर कोर्स में जब आप पांच साल की होगे आपको कोई बुक्स नहीं मिलेंगी प्रेजेंटेशन से पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है आर्किटेक्ट्स अपनी नॉलेज से आपको पढ़ाते हैं तो इसीलिए जब आर्किटेक्चर कोर्स में ही बुक नहीं है तो नाटा में आप कैसे बुक से पढ़ सकते हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है बट एनीवेज दीस आर द टॉपिक्स सो इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, फॉरेन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में फेमस बिल्डिंग्स के बारे में आर्किटेक्चुर टर्म्स के बारे में आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में क्लासिकल आर्किटेक्चर क्या होता है आर्ट डेको क्या होता है मॉडर्न आर्किटेक्चर ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर वर्नाक्युलर आर्टेक्चर बहुत बार इनपे क्वेश्चन आता है वर्नाकुलर पे ब्रूटलिस्ट पर बहुत क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थोड़ा सा बता दी कि क्या होता है बेसिकली क्या होता है दैट इफ यू आर वॉचिंग सम काइंड ऑफ अ बिल्डिंग ठीक है और ये जो बिल्डिंग है ये कॉन्क्रीट की बनी है ठीक है अंदर से तो बहुत सारी बिल्डिंग्स कॉन्क्रीट की होती हैं बट आपको कॉन्क्रीट की दिखती नहीं है आपको लगता है कि ये किसी और मटेरियल का होगा क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेंट हो सकता है किया गया हो या फिर कोई क्लाइडिंग की गई हो ठीक है बट कुछ बिल्डिंग्स हैं जो आपको कॉन्क्रीट एक्सपोज दिखेगा ठीक है एक्सपोज कॉन्क्रीट आपको दिखेगा सो यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके दिस बिल्डिंग इज मेड आउट ऑफ कॉन्क्रीट ओनली या आप ऐसे कह सकते हो ये कोई लड़की है ठीक है उसने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है उसकी रियल स्किन आपको नहीं दिख रही है आपको लग रहा है कि ये शायद उसकी रियल स्किन ही होगी ऐसा कुछ हो है। तो आप उसको बोल रहे हो कि यार इतना मेकअप करने की जरूरत नहीं है आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बिना मेकअप के भी खुद को दिखा सकते हो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको उस पर पे पेंट करना है या क्लैडिंग करनी है तो इसको ये होता है ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर कुछ आर्किटेक्ट ऐसा सोचते हैं कि जिस बिल्डिंग को आपने जिस भी मटेरियल से बनाया है आप उसी को दिखाओ यू डोंट नीड टू पेंटेड एंड क्लैरिड एंड हाइड इट थ्रू एनी मेकअप तो ये होता है ब्रूटेस्ट स्टाइल ऑफ आर्किर्टेक्चर इसको आपको अगेन आर्किटेक्ट्स ही आपको समझा सकते हैं ऐसे तो आपको समझ आने नहीं वाली है नेक्स्ट इज कलर थ्योरी तो मैंने आपको डिटेल में बताई दिया है ठीक है टर्म्स भी आप समझ गए हो गए आर्किटेक्चर में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे स्लैब क्या होता है लिंटल क्या होता है बीम क्या होता है ऑल दोज थिंग्स राइट right? सो so, ये सारा पार्ट आ गया आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का यहाँ पे अगर मैं आपको हमारा स्टडी मटेरियल दिखाऊं बिकॉज हम लोग स्टडी मटेरियल से लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं सो सपोज हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर सो ऑन एवरी टॉपिक वी हैव प्रिपेयर्ड दीज ई बुक्स एंड हर टॉपिक पे ये छोटे छोटे ई e बुक्स है देखो छोटा सा ई e बुक है ठीक है बहुत ज़्यादा हम लोग इसको बड़ा नहीं रखते तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया बट यूजली वी ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी शॉर्ट कि प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बहुत सारे इमेजेस वगैरह रहेंगे इसमें ताकि आपके लिए समझना ईजी हो ठीक है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स आपको बता दिए उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल बता दिया प्लान्स को रीड करना बता दिया ठीक है उसके फीचर्स वगैरह आपको बता दिए एंड दैट्स इट एंड देन वी विल गिव यू अ टॉपिक बेस्ड टेस्ट आपको मैं हमने टॉपिक पढ़ाया लाइव क्लास में ई बुक से आप थोड़ा बहुत रिविजन करो क्योंकि लाइव क्लास में आप आओगे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी एक ठीक है सिक्सटी परसेंट याद हो जाएगा पर फोर्टी परसेंट आपको ई बुक से रिविजन भी तो करना पड़ेगा ना लर्न करने के लिए तो वो ई बुक से आप इजिली रिवाइज कर सकते हो एंड देन वी कैन गिव यू टॉपिक बेस्ड टेस्ट तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन सपोज यहाँ पे टेन क्वेश्चन है पाँच मिनट का टेस्ट है बस ठीक है टाइमर चलता रहेगा पाँच मिनट का अपना टेस्ट दो द मोमेंट यू विल सबमिट द क्वेज यू विल इंस्टेंटली बी एबल टू सी द करेक्ट आंसर्स ठीक है कि आपका स्कोर कितना आया है और क्या क्या आपके करेक्ट आंसर्स हैं तो ये हमारा सेकेंड स्टेज होता है ठीक है कि फर्स्ट लाइव क्लासेस देन यू लर्न इट थ्रू द ई बुक्स देन वी विल गिव यू द टेस्ट ठीक है और ये हर टॉपिक के लिए सो हियर यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी वेस्टर्न इन्फ्लुस सारे टॉपिक्स न्यू क्लासिज्म आर्ट नोव्यू आर्किटेक्चरल टर्म्स टर्म्स में आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ कैसा टॉपिक आता है जैसे एप्स क्या होता है ठीक है देन वॉट इज वट इज एन आर्ट वट इज एन अटेक वट इज अ बैलूस्ट ट्रेड वट इज अ बे पटरेस कैंटिलिवर इस पर्टिकुलर पी से जो मैं आपको दिखा रही हूँ नाटा एग्जामिनेशन में एक साल में कम से कम छः क्वेश्चन आए थे फ्रॉम दिस सिंगल पी एंड यू कैन इमेजिन कि ये पी डी एफ कितना यूजफुल रहा होगा ओब्वियसली आई विल नॉट शो यू ऑल द टर्म्स बिकॉज दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ एस एस ए सी तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी डेफिनेटली बट यू गॉट द आइडिया कि हर टॉपिक पे हम लोग ई बुक्स वगैरह देते हैं और इस तरीके से पढ़ाई होती है एंड दिस इज आवर एप फॉर द कोर्स स्टूडेंट्स ओनली तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है हमारा स्टडी मटीरियल देखो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दिख रहा हूँ कि कितना बड़ा है ये स्टडी मटीरियल लाइक हर टॉपिक ड्रॉइंग थ्योरी जो भी क्वेश्चन है रीज़निंग के सारे क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स दिए हुए हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको दिए हुए नाटा मॉक टेस्ट एंड वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग टेन प्लस मॉक टेस्ट फॉर इवेंट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है तो नए पैटर्न पे भी हम लोग बिल्कुल एग्जाम लाइक -like होगा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी मॉक टेस्ट में डालेंगे तो बहुत ही बड़ा स्टडी मटेरियल है आई थिंक तीन चे, तीन चार साल तो इसको बनाने में ही हमें लग गए हैं सो डेफिनेटली ये टॉपिक काफी वास्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम एंड इट हैज़ ऑल्सो कम इन द प्रीवियस ईयर्स सो वट इज द बिल्डिंग एलिमेंट इंडिकेटेड बाय द एरो तो ये है तो अगेन अगर आपको आर्किटेक्चरल टर्म्स पता है एंड इवन आई विल शो यू इन आवर यू नो स्टडी मटेरियल क्योंकि एक टॉपिक आर्किटेक्चरल टर्म्स का है और ये क्वेश्चन पहले नाटा में आया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन इसी पी से आए थे जैसे मैंने आपको बताया था तो फॉर एग्जाम्पल कि शायद हाँ दिस वन सो हियर एज यू कैन सी दिस इज नोन एज स्कोपिंग ये क्या होता है क्यों होता है ये सब तो हम आपको लाइव क्लास में बताते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके बाद आपको चीज़ें लर्न हो जाए सो दिस इज स्कोपिंग एंड ये इसका आंसर है बी करेक्ट आंसर ओके देन मैच द बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन तो वॉल का क्या फंक्शन होता है बीम के क्या फंक्शन होता है पैरापेड क्या होता है फाउंडेशन क्या होता है सब आर्किटेक्चर टॉपिक्स है सन टेम्पल को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा अगेन इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सो दिस आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दट माइट भी

ठीक है और ये डायरेक्ट आता है बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट्स स्लैश स्लैश प्रिंसिपल्स इन द कलर कॉम्पोजिशन के आपको पता है ये कॉम्पोजिशन है तो यहाँ पे आपको पूछ लेंगे कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है ठीक है तो फ्लूडिटी दिख रही है देन अगेन इसमें पैटर्न दिख रहा है इसमें कन्वर्जेंस दिख रहा है एंड इसमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज़ किया गया है तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हर टर्म को समझना अगेन कैन नॉट बी सेल्फ प्रिपेयर्ड ओनली कैन बी टॉट टू यू बाई एन आर्किटेक्ट इसमें भी ऐसा सेम क्वेश्चन है कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है तो सिर्फ इसकी डायनामिक है ठीक है उसके बाद इसमें आपको थ्री डी इफेक्ट भी दिख रहा है देन आपको इसमें डेप्थ भी दिख रहा है ठीक है इसमें मुझे लगता है आपको पैरलिजम भी दिखेगा क्योंकि लाइन इसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे पैरल जा रही हैं एक दूसरे के ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप और भी चीज़ें होती हैं जैसे मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें डायरेक्शन भी है ठीक है इसमें पैटर्न भी हो सकता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें कॉन्ट्रास्ट भी कोई टिक कर सकता है लेकिन इसमें करेक्ट आंसर सिर्फ इतने ही दिए हुए हैं ना बी डी ई एफ सो इट इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग टॉपिक कि ये कैसे आप इसमें और पता है जब लास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन आया था तो ये कि कितने मार्क्स तीन मार्क्स का है ठीक है आपको तीन मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने सारे ऑप्शन करेक्टली टिक टिकए हो अगर आपने करेक्टली सारे टिक नहीं किए ना मतलब आपने सपोज की Uh, जैसे इसमें कितना है फोर बोला गया ना टिक करने अगर आपने तीन तो सही टिक किए पर एक आपने गलत किया तो सीधा इसमें जीरो मार्क्स मिलते थे अप टिल द लास्ट ईयर लाइक इस साल क्या होगा आई डोंट नो मे बी एक सही किया तो एक मार्क मिले दो सही किया तो दो मार्क मिले तो हो सकता है ऐसा हो अदरवाइज हो सकता है चार के चार मार्क्स आपके जाए इसमें आई डोंट नो वॉट विल हैपन नेक्स्ट इज डिजाइन थिंकिंग दिस इज न्यू इंट्रोडक्शन

इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक ही आंसर करेक्ट होता है इसमें सारे ही आंसर करेक्ट ही रहते हैं बट एक के ज़्यादा मार्क्स होते हैं दूसरे के कम मार्क्स होते हैं तीसरे के और कम होते हैं चौथे के और कम होते हैं सपोज तो एक आपने अगर ए टिक किया तो आपको चार मार्क्स मिले बी किया तो तीन मार्क्स मिले सी किया तो दो मार्क्स मिले और डी किया तो एक ही मार्क्स मिला तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आई थिंक फोर मार्कर में ही ये आएगा डेफिनेटली इन मल्टीपल सिलेट क्वेश्चन और समथिंग लाइक दैट ठीक है इन विच ऑफ द दस डबिन लिड्स विल ओपन तो so अगेन ये सब डिज़ाइन थिंकिंग क्वेश्चन इसमें कुछ भी फॉर्म किया जा सकता है तो अगेन आर्किटेक्ट्स के साथ जब आप पढ़ते हो ना तो आप डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स को देखते हो यू नो व्हेन इवन व्हेन आई एम टीचिंग पर्सपेक्टिव स्केचिंग आई विल ट्राई टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ऑल्सो विद स्टूडेंट्स उनसे उनका क्या होता है ना माइंड खुलता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग एंड देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व एंड स्कोर गुड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन लास्टली दिस न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज़ बेसिक मैथ्स जो कि आप लोग क्लास एट्थ नाइन्थ टेंथ के आसपास पढ़ते हो तो ये वो टाइप के क्वेश्चन हैं ठीक है ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत इसमें पढ़ना है ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं बहुत स्कोरिंग होता है अगेन और ये क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं आपको पता ही है ये आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो अगेन सेल्फ स्टडी इज पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया 80 परसेंट टॉपिक्स के लिए सेल्फ़ स्टडी नाटा में पॉसिबल ही नहीं है ठीक है इसीलिए मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी टू बुक आवर फ्री लाइव डेमो क्लासेस इसमें आप देखो कि हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं टू स्कोर गुड मार्क्स इन द नाटा एग्जामिनेशन एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट आवर रिजल्ट ऑफ द लास्ट ईयर अगर मैं आपको अपने रिजल्ट के बारे में दिखाऊँ तो आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारे नाटा में वन बाई फोर स्टूडेंट्स टॉपर थे 2023 में एंड जे बी आर में वन बाई थ्री स्टूडेंट्स टॉपर थे और वन बाय फोर स्टूडेंट्स नाटा में लास्ट ईयर इसलिए टॉपर थे टॉपर थे क्योंकि जो पेपर पैटर्न तो थोड़ा अनप्रडिक्टेबल था अब की बार आई कैन गारंटी यू कि वन बाई थ्री से ज़्यादा स्टूडेंट्स नाटा में टॉपर होंगे क्योंकि अब जो पेपर पैटर्न आया ना इट इज़ वेरी स्टॉटेड एंड इट इज़ सेम लाइक जे ई बी आर एग्जामिनेशन तो क्योंकि इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है पेपर नाटा का अब टॉपर्स का और ज़्यादा हाई होने वाला है परसेंटेज जे बी आर में तो ऑलरेडी वन बाई थ्री थे ही ठीक है सो मेनी मेनी स्टूडेंट्स व टॉपर लास्ट ईयर एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम द टॉपर ऑफ नाटा जेई बी आर एग्जामिनेशन आई थिंक एस एस ए सी विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू वॉन्ट यू कैन सिम्पली मैसेज मी ऑन द नंबर विच इज़ दिस वन ट्रिपल एट टू नाइन जीरो एट सिक्स वन फाइव व्हाट्सएप करो अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करो पसंद आती है अगर टीचिंग और हमारा पढ़ाने का तरीका और सारी चीज़ें तो आराम से घर बैठे प्रिपरेशन करो दो तीन घंटे क्लास में आओ या एक दो घंटे बस डेली बेसिस पे निकालो और डेफिनेटली तुम्हारा एग्जामिनेशन क्रैक होगा और ना तो सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक होगा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे आगे लाइफ शॉर्ट हो जाती है एक अच्छे कॉलेज में चले गए एस बी डेली वगैरह में सेप्ट वगैरह में प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी फॉर्म खोलोगे तो अच्छा कॉन्टैक्ट रहेगा ऑलरेडी अच्छे पैसे कमाओगे अभी अगर मान लो दस बीस हज़ार रुपये भी अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा तब भी तुम्हारा जो रिटर्न रहेगा वो हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा रहेगा तो इस चीज़ के लिए तो सोचना नहीं चाहिए इस स्टेज पर कोचिंग के लिए लाइक मेरा कोचिंग है इसलिए नहीं पर वैसे भी बता रही हूँ कि ये चीज़ मैंने गलती करी है अपने टाइम पे इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम अभी सोचोगे ना कि कम पैसे में पढ़ लेते हैं अब बुक से पढ़ लेते हैं क्या फायदा होगा नहीं तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन बाद में और ज्यादा लॉस होने वाला है तो इससे अच्छा कि कहीं अच्छी जगह से अच्छे से प्रिपरेशन करो बाद में प्रॉफिट तुम्हारा बहुत ज्यादा है इस चीज़ में तो एजुकेशन पे ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ सीखने में ही इन्वेस्ट कर करो फालतु पैसा तोड़ाने रहो तो ये चीज आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए गिव इट अ थॉट एंड एट लीस्ट बुक अ फ्री डेमो क्लास टू लर्न मोर थिंग्स आई होप यू लाइक टू वीडियो एंड यू गॉट सम क्लैरिटी रिगार्डिंग द सिलेबस एंड वॉट इज एक्चुअली गोइंग टू कम इन द नाटा एग्जामिनेशन एंड नाउ यू मस्ट बी रेडी फॉर योर प्रिपरेशन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड गॉट सम क्लैरिटी रिगार्ड The syllabus of the Nata examination, and actually, this is always the first stage of preparation. Once you know the syllabus and what to prepare, actually, then you can decide better that how you can proceed with your preparation. But to be very honest, these YouTube videos are very short. it may be clarity students. That is why I will recommend you to book a free demo class. To book our free demo class, you can simply WhatsApp or call us in the number on the number which is visible on the screen, or you can also visit our हैव वेबसाइट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन जब आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो सामने ही बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन होगा और आप वहाँ से अपना फ्री डेमो क्लास मेरे साथ बुक कर सकते हो सो इन माई लाइव डेमो क्लासेज द इंट्रैक्शन इज मच 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 बेटर आपको जो भी डाउट्स है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो ऑन यूट्यूब इट्स जस्ट अ वन साइडेड इंटरेक्शन बट लाइव डेमो क्लास में ऐसा नहीं होता है इट्स अ टू साइडेड इंटरेक्शन और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको रिगार्डिंग आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम प्रिप्रेशन तो गाइज मिलते हैं लाइव डेमो क्लासेस में तब तक के लिए बबाए